गिरिडीह जिले में भिरनी के घुज्जी की रहने वाली एक महिला अपने पति का प्यार पाने के लिए इन दिनों काले कोट और खाकी वर्दी के चौखट पर दस्तक देने को मजबूर है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी झाज निवासी कालीदास से अप्रैल 2014 में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। पीड़िता ने बताया कि भिरनी थाना से कई दफा नोटिस देने के बावजूद उसके ससुराल का एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। पीड़िता ने कहा कि कई बार पंचायत में बैठक हुई लेकिन वो किसी को तरजीह नहीं दिया और सारे फैसले को नजरअंदाज कर दिया। साथ ही साथ उसने बताया कि उसका पति सूरत के गोल्डन बर्ड बर्फ फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है, जहां साथ में काम कर रही नेहा नाम की एक लड़की से उसने शादी कर ली है। इधर पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की को साथ लेकर आया था। कब? मार्च में 2018 में। उसका कुछ बोला होगा? हाँ, 25 मार्च को लेकर आए थे। तो हम गए तो मुझे पहचानने से इनकार करने लगे और बोलने लगे ये मेरा पत्नी है, तुम नहीं है, तुमको मैं नहीं जानती। उसी के बीच में बहुत सारा लफड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुआ। हम लोग वहाँ से धनसार थाना भी गए, वहाँ पर सूचित किए तो धनसर थाना में सुलझा दिया गया। बोला चलो ये रख रहा है दोनों को, दोनों रहो साथ में। फिर मैं जाने के लिए तैयार थी, मैं साथ में भी रहना चाहती। फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर से मारपीट हुई। वो तो लड़की के साथ में भी और पति भी मारे और सास ससुर भी दोनों, और मुझे निकाल दिए कि गरीब घर का है, कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए और फिर फैसला किए, फिर पंचायत भी हुआ। पंचायत में भी उसने कुछ भी नहीं दिखाया, ना ही लड़की ना ही कोर्ट का कागज। और फैसला हुआ तो पंचों ने बोला कि जाके तुम इसके साथ अपने घर में रहो घुजी में। तो उसने घुजी ना जाके वहाँ से फिर से मेरे हम लोग के साथ पंचों जब चल गए तो फिर से लफड़ा किया और भाग गया। आवेदन दिए थे बिरनी थाना में? हाँ, बिरनी थाना में दिए। क्या बोले थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोला कर रहे हैं कार्रवाई, 2 नोटिस हो चुका है, बोल रहे हैं कि वारंट निकलेगा उसके बाद करेंगे कार्रवाई।